नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो एट प्रेजेंट दुनिया में दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, साथ ही में SpaceX और टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं, और साथ ही में ये काफी सारी कंपनीज के को फाउंडर और फाउंडर भी हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे इलॉन मस्क के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क जो कि एक इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं, इनका जन्म जून 28, 1971 में प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। एट द एज ऑफ 10 इनका कंप्यूटर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उस टाइम ये एक कॉमोडोर VIC-20 कंप्यूटर यूज करते थे। धीरे धीरे इनका कंप्यूटर्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एट द एज ऑफ 12 इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, और इस वीडियो गेम को उन्होंने एक कंपनी PCN ऑफिस टेक्नोलॉजीज को अराउंड $500 में बेच दिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 36,000, और उस टाइम 36,000 एक काफी ह्यूज अमाउंट था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की थी इन 1997 इन BSc इकोनॉमिक्स एंड BA डिग्री इन फिजिक्स। तो अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस कैरियर की। तो इन 1995 एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क और एक तीसरे व्यक्ति ग्रेग के साथ मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसका नाम था Zip2। इन फरवरी 1999 कॉम्पैक्ट नामक एक कंपनी ने Zip2 को अराउंड $307 मिलियन की डील में खरीद लिया, जिसमें से अकेले इलॉन मस्क को अराउंड $22 मिलियन मिले। इसके बाद वापस उन्होंने मार्च 1999 में तीन लोगों के साथ मिलकर एक दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम था X.com, जो कि ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी। इसके ठीक एक साल बाद X.com एक दूसरी कंपनी जिसका नाम था कॉन्फिनिटी उसके साथ मर्ज हो गई। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक कंबाइंड मनी ट्रांसफर सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम है PayPal, जो कि ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री में यूज की जाती है। इसके बाद PayPal को eBay ने अराउंड $1.5 बिलियन की डील में खरीद लिया, जिसमें से अकेले इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। अब इसके बाद 2001 में धीरे धीरे इलॉन मस्क का स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और काफी पहले से इनका एक सपना है मार्स को कॉलोनाइज करना। तो इसी आइडिया के साथ ही 2001 में रशिया गए ICBM खरीदने के लिए। यहाँ पे ICBM का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन 2001 में इनको कोई डील नहीं मिली, तो ये 2002 में वापस रशिया गए ICBM खरीदने के लिए, और उस टाइम इनको एक ऑफर मिला $8 मिलियन पर रॉकेट का, जो कि इनको काफी ज्यादा लगा क्योंकि एक रॉकेट यूज करने के बाद वापस यूज नहीं की जाती, और इसी कारण उन्होंने ये ऑफर कैंसिल कर दिया। और इसी टाइम से इन्होंने एक अपना सपना बना लिया कि इनको फ्यूचर इयर्स में एक रीयूजेबल रॉकेट बनानी है। तो इन्होंने मई 2002 में SpaceX को फाउंड किया अराउंड $100 मिलियन इन्वेस्ट करके। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि SpaceX के स्टार्टिंग के तीनों ही लॉन्च फेल हो गए, और उस टाइम तक इलॉन मस्क के पास जो भी पैसा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन इन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक फोर्थ और लास्ट अटेम्प्ट करेंगे, और फाइनली इनके फोर्थ अटेम्प्ट यानी कि 2008 में इनको सक्सेस मिला, जिसमें इनकी रॉकेट फाल्कन 1 सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गई, और साथ ही में SpaceX वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट लिक्विड फ्यूल रॉकेट कंपनी बन गई जिसकी रॉकेट अर्थ की ऑर्बिट में पहुंची। इस सक्सेस के बाद नासा की तरफ से उनको अराउंड $1.6 बिलियन की डील मिली, और जैसे ही इनको सक्सेस मिला इन्होंने अपने सपने पे काम करना शुरू कर दिया, जो कि था रीयूजेबल रॉकेट बनाना। और ये सपना भी इनका पूरा हुआ जब इनकी फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 सक्सेसफुली लैंड हुई 2015 में। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं SpaceX के कुछ अचीवमेंट्स की। तो फर्स्ट अचीवमेंट था SpaceX की रॉकेट फाल्कन 1 का। तो इन 2008 फाल्कन 1 फर्स्ट प्राइवेट लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट बनी थी टू रीच अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड अचीवमेंट SpaceX ने 2012 में अचीव किया था, जब SpaceX फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू द ISS। ISS का यहाँ पे मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। थर्ड अचीवमेंट यहाँ पे SpaceX की रॉकेट फाल्कन 9 का है। इन 2015 SpaceX की रॉकेट फाल्कन 9 फर्स्ट रॉकेट बनी जिसने सक्सेसफुली
वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की थी। फोर्थ अचीवमेंट भी यहाँ पे फाल्कन 9 का है, जब फाल्कन 9 2017 में फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट बनी जिसको रीयूज किया गया था इन 2017। फिफ्थ अचीवमेंट स्पेसएक्स ने लास्ट ईयर यानी कि 2020 में अचीव किया था, जिसमें स्पेसएक्स ने अपना फर्स्ट मैन्ड मिशन जिसका नाम था स्पेसएक्स क्रू 1 सक्सेसफुली किया था। इसमें स्पेसएक्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द ऑर्बिट एंड फर्दर टू द ISS, और इस मिशन का नाम था स्पेसएक्स क्रू 1। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी टेस्ला की। टेस्ला एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और इसका नाम टेस्ला रखा गया है एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इन्वेंटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला। हालांकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्ला को इलॉन मस्क ने फाउंड नहीं किया था, टेस्ला को फाउंड किया गया था जुलाई 2003 में मार्टिन और मार्क के द्वारा। इलॉन मस्क तो 2004 में इस कंपनी में एंटर हुए थे एज एन इन्वेस्टर, फिर 2009 में एक लॉ सूट सेटलमेंट एग्री किया गया जिसके चलते इलॉन मस्क और चार अदर्स अपने आप को टेस्ला कंपनी के को फाउंडर्स बोल सकते थे, और एट प्रेजेंट इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं। जो टेस्ला कंपनी की फर्स्ट कार थी वो थी टेस्ला रोडस्टर, जो इन्होंने 2009 में लॉन्च की थी, और ये एक स्पोर्ट्स कार थी। इलॉन मस्क की कई और फेमस कंपनीज भी हैं, जैसे कि सोलार सिटी, न्यूरालिंक, ओपन AI, हाइपरलूप एंड द बोरिंग कंपनी। एट प्रेजेंट इलॉन मस्क वर्ल्ड के 25th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड है, और एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इलॉन मस्क की नेट वर्थ है $190 million। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।